हेलो एवरीवन, आई होप ऑल इज डूइंग वेरी वेल। आज मैं एक और रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसको जब चाहे आप टिफिन में दे सकते हैं, जब चाहे आप इवनिंग स्नैक्स में यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस होती है और साथ साथ में बहुत हेल्दी भी होती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए सूजी के सैंडविच लेके आई हूँ। इसको हम वेजिटेबल के साथ बनाएंगे और ये बहुत जल्दी आपके बनकर रेडी हो जाएगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं मेरे स्टाइल से। सो आप सबका स्वागत है इंडियन रसोई में। यहाँ पर सूजी टोस्ट बनाने के लिए मैंने एक शिमला मिर्च लिया है, एक गाजर है, एक मीडियम साइज की प्याज ली है, एक टमाटर लिया है और स्वाद अनुसार नमक लेंगे, बटर है। और ये देखिए, एक मैंने यहाँ पे 3 चम्मच मलाई ली है, 1 कटोरी दही है और 1 कटोरी सूजी है, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, 1 हरी मिर्च और 5 ब्रेड लिए हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जितनी भी वेजिटेबल इसमें ऐड करेंगे, सारी वेजिटेबल को बहुत ही बारीक चॉप करेंगे, बिल्कुल बारीक होनी चाहिए जिससे ये अच्छे से स्टफ में सेट हो पाए। तो देखिए, इस तरीके से सारी अनियन को मैं बारीक बिल्कुल चॉप कर ली हूँ। इसी साइज़ में मुझे कैप्सिकम और शिमला मिर्च को भी अच्छे से बारीक कट कर लेना है। तो देखिए, मैं शिमला मिर्च को भी उसी तरीके से बारीक यहाँ पर काट रही हूँ। इसी तरीके से देखिए हमें काटना है। और आप चाहें तो यहाँ पर सब्जियों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ब्रोकली हो गई, कॉलीफ्लावर हो गई और अदर वेजिटेबल, उनको भी आप बारीक बारीक काट कर इसमें ऐड कर सकते हैं। ये खाने में अच्छी ही लगेंगी, इनसे टेस्ट और इन्हेंस ही होगा। और यहाँ पर अब मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इनके अंदर के सीड्स मैं निकाल लूँगी। और इस तरीके से देखिए, मैंने अंदर से निकाल लिया है और इनको भी मैं बिल्कुल बारीक यहाँ पर चॉप कर लूँगी, जैसे हमने शिमला मिर्च और प्याज को किया था। तो देखिए, इस तरीके से हमारी सारी सब्जियाँ यहाँ पर धीरे धीरे चॉप हो रही हैं। टोस्ट का जो टेस्ट है वो बहुत इन्हेंस होता है, साथ में थोड़ी सी क्रंचीनेस आती है वेजिटेबल से। तो आप देखिए, यहाँ पर मैंने कोरिएंडर लीफ ली है, उसको भी बारीक बारीक काट लेंगे। यहाँ पर आप ब्रेड कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ब्राउन ब्रेड करना चाहें तो ब्राउन ब्रेड, और वाइट ब्रेड लेना चाहें तो वाइट ब्रेड, एज यू विश। आप देखिए, कैरेट जो हमने गाजर ली थी उसको भी मैं यहाँ पर ग्रेट कर लूँगी। इस तरीके से हमारी गाजर बारीक यहाँ पर ग्रेट हो जाएगी और इसको भी हम इसी तरीके से इसमें अब मिक्स करेंगे। ये 1 कटोरी जो सूजी हमने लिया था उसमें मैंने 1 कटोरी दही डाला, जितना सूजी है उतना ही हमने दही लिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसको हम अच्छे से पूरी दही को डालकर इसमें, आप देखिए, मैं ऊपर से यहाँ पर जो मलाई थी वो डाल दी है, प्याज डाल दिया है हमने जो बारीक काटा हुआ था, और यहाँ पर साथ में हम दूसरी सब्जियों को भी डालते रहेंगे इसी तरीके से, जैसे कि शिमला मिर्च कटी हुई है उसको भी हमने इसमें डाल दिया। देखिए, सब कितनी बारीक कटी हुई, फाइन चॉप होनी ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। और यहाँ पे हमने धनिया की पत्ती, हरी मिर्च और टमाटर जो काटे हुए थे सबको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सब यहाँ पर ऐड कर लिया और लास्ट में हमने यहाँ पर गाजर डाल दी है। गाजर डालने के बाद हम इसको अच्छे से अब यहाँ पर मिक्स करेंगे। इनको अच्छे से हमें बिल्कुल मिक्स करना है जिससे अच्छे से सब सेट हो जाए एक दूसरे से। और इस स्टेज पे अब हम यहाँ पर जो मेरी बची हुई दही थी मैंने उसको भी इसमें यहाँ पर डाल दिया है। इस तरीके से हम सबको डालकर अच्छे से सेट कर लेंगे। और थोड़ा सा यदि आपको ड्राइनेस लगता है तो आप दूध या पानी हल्का सा इसमें और ऐड कर सकते हैं। और इसमें नमक डालकर मैंने इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया है। अब जब हम 15 मिनट बाद देखते हैं तो हमारी सूजी अच्छे से फूल चुकी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है ये अब टोस्ट बनाने के लिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रेड लेंगे। ब्रेड पे मैं यहाँ पर बटर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह देसी घी यूज कर सकते हैं, चीज़ यूज कर सकते हैं, और चाहें तो यहाँ पर सॉस भी लगा सकते हैं।
सॉस लगा के उसके ऊपर हम ये जो हमने तैयार किया है स्टफ़, इसको चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। इस तरीके से पूरे साइड्स में इसमें अच्छे से हम इसको यहाँ पर स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए ये बिल्कुल ब्रेड नहीं दिखनी चाहिए, बिल्कुल ये फिल हो जाएगी यहाँ पर इस स्टफ़ के साथ जो हमने बनाया है। इस तरीके से देखिए मैंने पूरा अच्छे से ब्रेड में कर दिया और पैन इधर गर्म हो चुका है। इसमें मैंने 1 स्पून यहाँ पर बटर डाला। बटर जब अच्छे से मेल्ट हो गया तो मैंने पैन को शेक करके इसको चारों तरफ बटर को फैला दिया है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर जो हमने बनाया है उसका जो सूजी वाला पार्ट है उसको हम नीचे कर देंगे और ब्रेड वाली साइड को ऊपर कर देंगे। और इसको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे यहाँ पर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए एक साइड बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी, तब हम दूसरी साइड में इसको पलटेंगे और उस पर भी हम बटर डाल देंगे, लगा देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारे साइड यहाँ पर अच्छे से टोस्ट बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए कितनी कलरफुल हुए हैं। अब मैं आपको दूसरा टोस्ट भी इसी तरीके से बनाकर दिखाती हूँ। देखिए हमने बटर डाला, आप चाहे तो इसी पैन पे एक साथ दो भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए बटर मेल्ट हो गया और इसके ऊपर मैंने ये सूजी वाला साइड को नीचे किया और उसको 2 से 5 मिनट तक के लिए छोड़ दिया बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। और देखिए एक साइड अच्छे से कुक हो गया तो हमने उसकी दूसरी साइड पलट कर उसे बटर लगा दिया। इस तरीके से सारे मैंने टोस्ट यहाँ पर बना लिए। अब मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इनको कट कर रही हूँ। इस तरीके से हम सारे यहाँ पे टोस्ट को कट कर लेंगे, आप देखिए इस तरीके से। और इस सिचुएशन में आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स, उससे और इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। तो देखिए अब ये हमारे रेडी हो चुके हैं सर्व करने के लिए। चलिए इनको अब हम सर्व करते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में बनाइएगा ज़रूर और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।